बनें। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग का तीसरा पार्ट यानी कलर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको रेखा और रूप के बारे में बताया था। रंग का मानव जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए होती है। ये संसार ही हमको खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि इसमें असंख्य रंग छिपे हुए हैं। आप आसमान की तरफ देखेंगे तो देखेंगे नीले रंग के असंख्य शेड्स हमको नजर आएंगे। आप प्रकृति में देखेंगे तो आपको कितने ही हरे रंग नजर आएंगे। तो इस संसार की सुंदरता रंगों से है, इसलिए रंगों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये रंग किस प्रकार हमें दिखाई देते हैं, इन रंगों का पेंटिंग में क्या महत्व है, रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंगों की सघनता, रंगों के गुण, इन सब को जानने का प्रयास हम अपने इस वीडियो में करेंगे। वस्तुओं के धरातल में रंग होने के कारण वह हमें दिखाई देते हैं। धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम या ज्यादा होने से एक ही रंग की वस्तुएं हमें अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई देती है। जैसे मानो एक ही रंग की वस्तु, जैसे कोई लाल रंग की वस्तु है, जब हम उसे बंद कमरे में देखते हैं तो उसका शेड हमें फर्क दिखाई देगा। जब हम उसे सूरज की धूप में देखेंगे तो वही रंग हमें थोड़ा पृथक दिखाई देगा। जब हम उसे बारिश में देखेंगे तो वही रंग हमें पृथक दिखाई देगा। अर्थात प्रकाश की मात्रा तथा वातावरण के कारण रंग एक ही रंगत के होते हुए हमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। रंगों के प्रति जो मानव का आकर्षण है, यह सदियों से चलता आ रहा है। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक, आज तक का जो मानव है, इन सब का रंगों के प्रति जो मोह है, रंगों के प्रति जो एक अपनत्व का भाव है, वो कभी भी नहीं घटा है। हम हर चीज में रंग देखते हैं। हम बाजार में शॉपिंग करने भी जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये रंग हमें पसंद है, ये रंग हमें पसंद नहीं है। हम हर चीज में रंग को देखते हैं। एक छोटा सा अगर टिफिन भी खरीदेंगे, हम अपने लिए लंच बॉक्स भी खरीदेंगे, उसमें भी हम रंग को प्रिविलेज देंगे। तो रंग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, नेचुरली वो पेंटिंग में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी कृति जब देखते हैं तो हम उसके फॉर्म पर, उसकी उसकी आकृति पर, उसकी बनावट पर बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम उसके रंग से इम्प्रेस होते हैं। अगर रंग हमें अच्छे लगते हैं तो हम उसको गौर से उस पेंटिंग को देखते हैं। तो ये जो रंग है, इसका बोध हमें किस प्रकार होता है, नॉलेज ऑफ कलर, वर्ड बोध। यह वर्ड बोध हमें किस प्रकार होता है, प्रकाश किरणों के द्वारा हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, मतलब कोई भी लाइट जब उस वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु कुछ प्रकाश अपने में रख लेती है और कुछ हमें वापस कर देती है। तो जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसी में उसका रंग निहित होता है। और वही हमें, वही प्रकाश जब हमारे अक्ष पटल पर यानी हमें हमारे मस्तिष्क पर जब पड़ता है तो वह रंग हमें दिखाई देता है। वह रंग हमें किस प्रकार दिखाई देता है, हमारे अक्ष पटल पर जब प्रकाश पड़ता है तो हमारे हमारे अक्ष पटल यानी हमारी आंखों के साइड में दो सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है रॉड्स और कॉन्स।
यह हमारे आंखों के साइड में सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती हैं, दो उनको रॉड्स और कॉन्स, इनके द्वारा हमें वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु का वर्ण हम अनुभव करते हैं। इसे समझिए कि एक प्रकाश जो है वस्तु पे पड़ता है, वस्तु उसमें से कुछ प्रकाश अपने में रख लेती है, कुछ उस वस्तु को वापस कर देती है, वह दर्शक के अक्षपटल यानी रेटिना पर पड़ता है। जैसे ही वह अक्षपटल के पार्श में हमारे दो सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती है, रॉड्स और कॉन्स, तो ये जो सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, उसके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु के वर्ण का अनुभव करते हैं। रॉड्स के द्वारा हमें काले व सफेद की अनुभूति होती है, और कॉन्स के द्वारा जो रंग होते हैं जैसे पीला, लाल, नीला, वह हमें दिखाई देता है। और जब ये दोनों तंत्रिकाओं से हम दोनों तंत्रिकाएं जब मिलकर किसी रंग को देखती हैं, तो वह रंगत के हल्के व गहरे रंग को या मिश्रित टोन्स को देखने में सक्षम होती है। या हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, या हम पेंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम इसे मोटे तौर पे यही समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा रेटिना है उसमें हमारे दो तरह की तंत्रिकाएं होती है, रॉड्स और कॉन्स। ये मैं पुनः आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो रॉड्स व कॉन्स के द्वारा हम वस्तु के रंग को देखते हैं, जो प्रकाश के द्वारा उस वस्तु पर पड़ रहा है उसको हम जब महसूस करते हैं, तो वह रंग हमें इन दोनों सूक्ष्म तंत्रिकाओं के द्वारा हमें दिखाई पड़ते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, यानी हम कोई से वस्तु के रूप में महसूस नहीं कर सकते। यह प्रकाश का गुण है जो प्रकाश के द्वारा हमें दिखाई देता है, बल्कि अक्ष पटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। वर्ण के तीन प्रधान गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। रंगत यानी ह्यू, मान यानी वैल्यू, सघनता यानी इंटेंसिटी। रंगत यानी रंग की प्रकृति, रंग का गुण कि किस कौन सा रंग है, लाल है, पीला है या नीला है। मान उस रंगत के गहरे या हल्केपन को हम उस रंग का मान कहते हैं। जैसे समझिए हल्का लाल या गहरा लाल, तो ये रंग का क्या हुआ, मान। और सघनता यानी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता कि वो कितना अधिक प्रखर रंग है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे, एक टेबल बनाती हूँ मैं आपको, उसके द्वारा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तीव्र, हल्का और लाल। तो यहां पर लाल क्या है, रंगत, ह्यू। हल्का क्या है, उसका मान यानी वैल्यू। और तीव्र क्या है, उसकी सघनता यानी इंटेंसिटी। तो ये वर्ण के तीन प्रधान गुण होते हैं कि एक रंग की रंगत, एक वो रंग गहरा है या हल्का है, और उसमें कितनी तेज है यानी वो कितना प्रखर है, प्योर है कि मिश्रित है। तो ये रंग के तीन प्रधान गुण होते हैं, और इसी सघनता से हम रंग की शुद्धता को भी जान पाते हैं। इसका एक सूत्र भी है जो मैं आपको लिखकर यहां बताती हूं। इसे हम एक इस टेबल के बाद हम इस सूत्र के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। जैसे टेंट, शेड और शेड टेंट,
यानी इंटेंसिटी। रंगत प्लस सफेद रंगत प्लस शाम और रंगत प्लस धूमे। इस तरह से भी हम इस वर्ण के गुण को समझ सकते हैं। वर्ण के गुण के पश्चात हम वर्ण के भेद देखेंगे। हम वर्ण की शुद्धता तथा परस्पर मिश्रण से वर्ण के बहुत सारे भेद प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य भेद के बारे में यानी कुछ मुख्य कलर्स के बारे में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हमारे होते हैं प्राइमरी कलर्स यानी मुख्य वर्ण। ये मुख्य वर्ण तीन प्रकार के माने जाते हैं, पीला, लाल एवं नीला। ये तीन रंग मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण का मतलब है ये किसी भी मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये शुद्ध रंग कहलाते हैं। ये रंग पदार्थ के गुण होते हैं यानी पदार्थ के पिगमेंट से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रकाश के आधार पर मतलब प्रकाश से पिगमेंट लेकर तीन प्रमुख रंग माने हैं, जो कि लाल, बैंगनी एवं हरा माने गए हैं, लेकिन इनको इतनी मान्यता नहीं दी गई है। लाल, पीला एवं नीला ही प्रमुख रंग माने गए हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं न्यूटन, उन्होंने 1960 में एक विवग्योर यानी एक चक्र बनाया जो इस प्रकार है, VIVGYOR। V यानी वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इसे हम इंद्रधनुषी चक्र भी मान कह सकते हैं। आपने देखे होंगे जब आपने कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा तो हमें यही रंग उसके अंदर नजर आते हैं। लेकिन भारतीय मतानुसार इन तीन प्रमुख तीन रंगों को ही प्रमुख रंग माना है। फिर है द्वितीय रंगत यानी सेकेंडरी कलर्स। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं वह द्वितीय रंगत कहलाते हैं। जैसे लाल और नीला मिलाने से बैंगनी रंग प्राप्त होता है, नीला और हरा मिलाने से नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग प्राप्त होता है और लाल एवं पीला मिलाने से ऑरेंज रंग प्राप्त होता है यानी नारंगी रंग प्राप्त होता है। इन्हें हम सेकेंडरी रंग कहते हैं। लेकिन इन्हीं सेकेंडरी रंगों को हम कम मान वाला और ज़्यादा मान वाला बना सकते हैं, उससे भी हमें अनेक शेड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाते वक्त अगर हम लाल की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो वह तेज नारंगी कहलाएगा और अगर हम पीले की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो वह कम नारंगी कहलाएगा। यही हम बैंगनी के साथ करते हैं, यही हम हरे रंग के साथ कर सकते हैं। इस तरह के हम रंगों के कम और ज़्यादा मिश्रण से हम इन द्वितीय रंगत की असंख्य श्रेणियाँ प्राप्त कर सकते हैं। समीपवर्ती रंग यानी यह वे रंग हैं जो एक ही श्रेणी या जाति के हैं, जैसे पीला, नारंगी और नारंगी। जो चीज़ मैंने भी आपको बताई कि अगर हम पीला ज़्यादा मिलाएंगे तो वो पीले के नज़दीक आते जाएंगे रेड, और हम रेड मिलाएंगे
तो वो रेड के समीपवर्ती, जैसे रेड प्लस कम पीला तो वो तेज नारंगी, फिर हम उसमें थोड़ा और पीला मिलाएंगे तो वो थोड़ा और डाउन होता हुआ नारंगी, फिर और पीला मिलाएंगे तो वो और उससे लाइट शेड, तो हम एक ही ऑरेंज के बहुत सारे शेड प्राप्त कर सकते हैं। वो ये जो रंग है ये समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। इन रंगों के लगाने से पेंटिंग में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, हर रंग अपना एक प्रभाव लिए होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।